राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में रांची रेलवे स्टेशन पर दुकान आवंटन के मामले में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व में अदालत ने डीआरएम को दुकान के टेंडर मामले में अंतिम निर्णय नहीं लेने का आदेश दिया था। इस संबंध में कलावती देवी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1984 में ही उन्हें रांची रेलवे स्टेशन पर दुकान आवंटित की गई थी। वर्ष 2015 तक दुकान का नवीनीकरण किया जा रहा था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीआरएम की ओर से टेंडर जारी कर दुकान आवंटन करने का निर्णय लिया गया। यह मामला लंबित रहा और वर्ष 2018 में यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने डीआरएम को 3 माह में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। एकल पीठ ने प्रार्थी को डीआरएम के यहां आवेदन देने को निर्देश दिया था, लेकिन डीआरएम ने इनके आवेदन को निस्तारित करते हुए फिर से दुकान का टेंडर जारी कर दिया। इसके बाद खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने डीआरएम की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कई मौके देने पर जब जवाब नहीं दिया गया तो अदालत ने डीआरएम को तलब किया। सुनवाई के दौरान सीनियर डीसीएम सहित अन्य अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हुए। उनकी ओर से मामले में संबंधित दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।